नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज़ ब्लॉग हनर मस्ती। कैसे हैं आप सभी? सुबह का टाइम है और 7:30 के आसपास का समय हो रहा है और मैं सुबह सुबह थैला लेकर जा रही हूँ। कहीं मैं जा रही हूँ मंदिर। मेरे घर से जो सामने दिखता है भूतेश्वर महादेव जी का मंदिर, यानी ढोपा चंबू रेखा जी के मंदिर जा रही हूँ। और आज है संडे। आज मैं अकेली क्यों जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी पहले मैंने, कहते हैं ना कि कुछ कह रखी है, मन्नत है या भोग वगैरह कुछ कहा था मैंने मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ही जाता है संडे के दिन, और मैं संडे को ही जाती हूँ क्योंकि संडे को सुबह के टाइम में थोड़ा फ्री भी होती हूँ और मंदिर भी खुला रहता है। मैं काफ़ी आगे निकल चुकी हूँ घर से, मैं काफ़ी नीचे आ चुकी हूँ और धूप तेज़ है। धूप जो यहाँ पर 6:30 के अराउंड आ जाती है आजकल गर्मियों में, और संडे को ही मंदिर के मेन जो कपाट होते हैं ना वो खुले रहते हैं। क्यार होते हैं, इनको क्यार कहते हैं, और इसमें जो है धान लगाया जाता है जिसके अंदर चावल होते हैं। ये देखिए, इस तरह से चावल की खेती की जाती है जिसे कि धान कहते हैं। ये देखिए, इस तरफ सतलुज का खूबसूरत सा व्यू, और इस तरफ है धान के हरे भरे बड़े बड़े से खूबसूरत से खेत। पेड़ इतने सारे मैंगो लटके पड़े हैं इसमें, ये देखिए। और ये बिल्कुल रोड के पास में ही है, कितने सारे हैं। यहाँ से हम चढ़ेंगे सीढ़ियाँ मंदिर के लिए। देखो, काफ़ी बड़ा पेड़ है ये, और इसमें बहुत सारे मैंगो लगे रहते हैं हर बार। मंदिर खुला है और बहुत सारे लोग आए हैं मंदिर में। मैं आपको दिखाती हूँ, मेन मंदिर का भी बंद है, परवाने शुरू हो गए हैं। पुजारी जी आए नहीं ना, प्रसाद बनाने वाले आए। पुजारी जी भी आएंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर मैं भोग लगाऊंगी, फिर जाऊंगी मैं घर। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, ये देखिए आप, ये तो फिर भी कम है। कोविड से पहले यहाँ बहुत भीड़ होती थी, अभी आते ही होंगे पुजारी जी। थोड़ी देर यहाँ बैठ के वेट करती हूँ, मैं बेंच पर बैठ गई हूँ। तो चल पड़ी वापस, रास्ता ही भूल गई मैं तो। मैंने भोग तो मैंने दे दिया है, अभी बहुत भीड़ है यहाँ पे। आज क्या होता है ना कि संडे है, और संडे तो सब काम इनके देरी से होते हैं क्योंकि पुजारी जाएंगे, उसके बाद बाजा बजेगा, फिर देवता जी को पूछेंगे। बहुत से लोग ऐसे आए हुए हैं जो कि अपना, कहते हैं ना कि वो देवता जी से अपने हाल चाल, अपने जीवन के विषय में, सुख दुख के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, जो देवता जी के गुरु होते हैं उनके थ्रू। तो उसमें तो बहुत समय लगने वाला है। जितने भी यहाँ पब्लिक आई हुई है, 15-20 लोग हैं, वो सब इसी काम के लिए आए हैं। तो मेरा काम तो था खाली देवता जी को प्रसाद चढ़ाना, वो मैंने चढ़ा दिया है। अब थोड़ी देर में बाजा बजेगा, पुजारी जी आएंगे, बहुत समय लगने वाला। मतलब कहने का मतलब है
एक भी बच सकता है। आते आते हलवा बनेगा, बहुत सारा काम होगा, तो मैं तो चली घर। मैंने प्रणाम कर लिया है, दर्शन कर लिए हैं, तो घर चलते हैं, फिर देखते हैं, घर चल के मिलते हैं फिर आपसे। देखिए सुबह सुबह के टाइम पे लेडीज हैं, खेतों में काम करने आई हैं, धान की खेती की जा रही है यहाँ पे। वो आगे तक वो देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, धान की कयार से पानी भरा है। गर्मी में सुबह 5-6 बजे से खेतों में लोग रहते हैं, बहुत देर तक रहते हैं। यहाँ देखा आपने पीछे, अभी मैंने दिखाया, हल चला रहे हैं, बहुत से लोग लेडीज जो हैं धान की खेती कर रही हैं। बड़ा मज़ा आता है, गांव की लाइफ भी मज़ेदार है। चलिए मैं पुल पे आ चुकी हूँ, चलती हूँ वापस घर से। मुझे कॉल आ गया था नील जी का, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई, मैं काफ़ी देर बैठी रही मंदिर में, पुजारी जी का वेट किया, तो मुझे पता चला कि पुजारी जी आ जाएंगे लेट, क्योंकि संडे को अक्सर देर से ही होता है यहाँ पर प्रोग्राम। आज मैंने वापसी में दूसरा रास्ता ले लिया, वरना जिस रास्ते से मैं गई थी, एक तो वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा थी और फिर लॉन्ग रूट भी था। फिर मैंने किसी से पूछा कि मुझे शॉर्टकट रास्ता बताइए, और मैंने ये वाला रास्ता ले लिया। मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी घर पे और मुझे धूप भी नहीं लगेगी। इस तरफ देखिए, यहाँ पे चारों तरफ सब्जियाँ, पेड़ पौधे उगा रखे हैं। हर्षित, गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत? हम बढ़िया। कितनी बढ़िया, कितनी बढ़िया, कितनी बढ़िया। अरे ठीक है एकदम मस्त। गला कैसा है? अरे वो तो कब का ठीक हो गया था। तो चलो जी, चाय वाय भी होगी, पोछा भी मैंने पूरे घर में लगा दिया है, अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। हर्षित और हर्षित के पापा गए हैं हेयर कट के लिए। कल मेरा फास्ट था सैटरडे का, तो मैंने चने बॉयल करे थे, मतलब मैंने चने बॉयल कर दिए थे दिन में छोले बनाने के लिए। तो ये मैंने चने बनाए थे, इसमें मैंने प्याज डाला, टमाटर डाला, खीरा डाला, आलू डाला, थोड़े से बच गए थे, मैंने बचा दिए थे अपने लिए, क्योंकि मेरा फास्ट था और सैटरडे को मैं मिठाई खाती हूँ, तो नमकीन तो गले में खराश हो रही है, नमक वाला तो मैं कुछ भी नहीं खाती। तो अब मैंने तैयारी कर ली है, अगेन मेरे घर में पोहा बन रहा। आप बोर हो जाओगे, मेरे घर में पोहा एवरी संडे को बनता है मेरे घर में पोहा। तो मैंने सारी कटिंग शटिंग कर रखी है, उन दोनों का वेट कर रही हूँ मैं आने का, जैसे वो आएंगे वैसे मैं बना दूंगी। मंदिर की लाइट कर देती हूँ बंद, धूप इतनी तेज है, और हमारे अड़ोस पड़ोस में ना लगभग सभी बच्चे, किसी को फीवर है, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है, कुछ ना कुछ हुआ ही जा रहा है, गॉड नोज क्या है। हर्षित भी बन बीमार है, ये देखो, ये मैं उसके लिए मेडिसिन लेकर आई थी परसों। क्या हुआ कि डे बिफोर टुमारो, यस, पिछले कल से परसों, सैटरडे था ना, हाँ फ्राइडे को क्या हुआ, ट्यूशन गया था, वहाँ से मुझे इसकी मैम का फ़ोन आया कि हर्षित जो बहुत ढीला सा लग रहा है। फिर मैं फटाफट से गई गाड़ी लेके, उसको वहीं से मैंने पिक किया, हॉस्पिटल लेकर गई। एंटीबायोटिक हॉस्पिटल वाले देंगे, एंटीबायोटिक्स पीसीएम देंगे, और एक एंटी एलर्जिक दी है। कल रात को भी उसको फीवर आ रहा था, कांप रहा था, पर अभी वो ठीक है। तो चलिए जब तक वो आते हैं तब तक मैंने कर देती हूँ मैं तैयारियाँ, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। पानी मैंने गर्म होने के लिए लगा दिया है, आएंगे वो नहाएंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर करेंगे दिन की तैयारी। आगे दिखाओ कैसी कटिंग करी है, दिखा रही है। हाँ अब सही है, अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे बाल अच्छे लगते हैं बेटा, स्कूल के लिए तो सही है, सिंपल सी कटिंग। पीछे दिखाने एक बार, बैक साइड में सही है, थोड़ा बोझ हल्का हो गया। इसको भी काटने के लिए कह रहे थे थोड़े और काट दो। नहीं नहीं ठीक है, अब अच्छी लग रही है, ऊपर से ऐसे बाल पड़े। अब नहा लो, ट्यूशन टाइम हो रहा है, फटाफट से नहा लो पूरे। अभी तबीयत ठीक है? ओके, नहा के निकलो फटाफट। गाइस हम निकल गए मेरे ट्यूशन के पास, ट्यूशन सेंटर। तो गर्मी बहुत है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है मम्मा के साथ गाड़ी में। और ये देखे टूरिस्ट, टूरिस्ट नहीं है, गोरखी टाइप है। अच्छा गोरखी, नेपाली टूरिस्ट है। ओके तो चलो जी। पानी आ रहा है? हाँ।
तो जी मैं आई हूँ हर्षित को छोड़ने, अनिल जी और मैं दोनों हर्षित को ट्यूशन छोड़ने आए हैं। साथ में कुछ सामान भी लेकर जाएंगे और पानी भी भरना है। आजकल पानी गंदा सा आ रहा है और प्योरिट में जो है, प्योरिट की जो किट है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है इस तरह के पानी से, गंदे पानी से। तो यहाँ पे काफ़ी साफ़ पानी है। ये जो है क्लोनीज वाला पानी है, इनका अपना काफ़ी बड़ा टैंक है, पंप है, काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। मतलब बहुत से लोग आते हैं, मैं अक्सर आती हूँ यहाँ से पानी लेने के लिए, भर भर के 2-10 लीटर की कैनी लेकर। बरसात में तो अक्सर आना ही पड़ता है हमें यहाँ, क्योंकि रेनी सीजन में जो है पानी बहुत गंदा हो जाता है। और अनिल जी गए हैं उधर शॉप तक, मैं तब तक पानी भर लेते हैं और उसके बाद निकल के हमारा ब्रेकफास्ट सब हमारा हो गया है। ट्यूशन वाली मैडम अभी तक नहीं आई है। यहाँ पे एक बॉटल है, बोलो उसको भी भर दे, धो के भर दे, हमारी काम आएगी, घर में पी लेंगे। पानी काफ़ी अच्छा ठंडा और साफ होता है। गर्मी इतनी भयंकर है, मैं क्या बताऊँ आपको, आँखें नहीं खुल पा रही हैं, इतनी तेज़ गर्मी है। गंजलाल, कम ऑन गंजलाल, कटप्पा कटप्पा पापा, कैसे हुई पापा की कटिंग? मस्त। वो पोस्टर भी शाम के बज रहे हैं 6:00। तो दिन भर तो भाई हमने रेस्ट किया है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। कहाँ चले गए? ये देखो ज़रा डॉन लग रहे हैं आज तो, राउंड हैट में। इतना तेज तेज भागते हैं ना, मैं पहुंच भी नहीं पाती इन तक। बोझ हल्का हो गया आज आपका है ना, कटिंग करके। ग्रीन ग्रीन है अभी तो। ये अभी कैसे आए? अभी अभी तो आए थे, थोड़े दिन पहले खा के खत्म भी करे थे नीचे एक बेड। हाँ जी हाँ जी, ये शहतूत है, पूरा बगीचा शहतूत का ही है। ये भी शहतूत ही है, लग तो वैसे ही रहे हैं, शहतूत का पेड़ है तो शहतूत ही आएंगे ना। चलो जी, ये छोटे वाला है, हाँ ठीक है। तो चलो जी, समय की अगर बात करें तो 8:15 का टाइम हो रहा है। इधर हर्षू जी कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी, कल है इसका मैथमेटिक्स का पेपर। आजकल खाना खाने का मन नहीं करता, आजकल या तो ठंडे खीरा या फिर जूस या फिर पानी, यही खाने पीने का मन करता है, पर फिर भी खाना तो खाना ही है। टाइम 8:15 हो रहा है, ये कर रहा है पढ़ाई अनिल जी अंदर। मेरे पास कल का पनीर था, इतना सारा निकाल रखा था मैंने पनीर, बचे हुए दूध का वो भुर्जी में तड़का लगा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा कल के एग्ज़ाम की थोड़ी सी प्रेपरेशन करवा देती हूँ। तो फिलहाल करते हैं अपने वीडियो की एंड। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही भयंकर गर्मी है, मतलब सुस्ती पड़ रही है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी। आज तो कुछ अत्ती वाली गर्मी है, बारिश आने के संकेत होते हैं जब इतनी तेज़ गर्मी होती है। तो चलिए, आज का दिन कुछ ऐसा ही था। मिलती हूँ आपको एक खूबसूरत से दिन के साथ, खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तो तक लूडो लाइक शेयर कमेंट टू इट्स बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।